ओके, सो एक्सियली लोडेड सॉर्ट कॉलम किसको बोलेंगे? ए ऑलरेडी गिवन है इन आवर कोड IS-456, कहाँ पे है? क्लॉज 39.1, पेज नंबर 71। तो इस ए क्लॉज क्या बोल रहा है कि एक्सियली लोडेड सॉर्ट कॉलम जिसमें मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम ई मिनिमम शुड नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5% ऑफ द लेटरल डायमेंशन, 0.05 ऑफ डी। ओके, और ई मिनिमम हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम ई मिनिमम हमें मिलेगा मैक्सिमम ऑफ एल बाई डी, सॉरी एल बाई 500 प्लस डी बाई 30 और 20 mm। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूँ, एल एक्स होगा तो डी, एल वाई लेंगे तो बी, मतलब मोर स्पेसिफिकली अगर लिखेंगे तो एल ई एक्स बाई 500 और एल एक्स, सॉरी ये होगा तुम्हारा नॉट इफेक्टिव लेंथ, इट्स द अनसपोर्टेड लेंथ, एल एक्स बाई 500 प्लस डी बाई 30 और 20 mm, व्हिच एवर इज मैक्सिमम। और ये कहाँ पे दिया हुआ है? ये पिछले क्लास में हम लोग डिटेल में देखे थे, क्लॉज 25.4, राइट, पेज नंबर शायद 42 था। ओके, सो एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम का स्पेसिफिकेशन जानेंगे कि इस कॉलम को हम लोग एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। और मिनिमम एसेंट्रिसिटी क्यों? एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम क्या डेफिनेशन था कि एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम का, कि द कॉलम इन व्हिच द एक्सियल लोड इज अप्लाइड ऑन द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ द कॉलम, सेंट्रोइड पे होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि आरसीसी मेंबर के लिए, जब हम लोग आरसीसी मेंबर को देखेंगे तब एकदम सेंटर पे या सीजी पे तुम्हारा लोड को एक्ट करवाना पॉसिबल है नहीं है। से ये मान लो कि हम लोगों ने कॉलम लिया, दिस इज डी, दिस इज बी, दिस इज योर मेजर एक्सिस एक्स एक्स, दिस इज योर माइनर एक्सिस वाई वाई, से रेक्टेंगुलर कॉलम। सो सेंट्रोइड पे लोड को एक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्लॉज 39.1 बोल रहा है कि हम लोग 5% ऑफ लेटरल डायमेंशन, मतलब लोड इसका जो लेटरल डायमेंशन होगा उसका जो 5% होगा वहां तक लोड को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, कि ये इतना एसेंट्रिसिटी को हम लोग एज ए एक्सियली लोडेड मेंबर का एसेंट्रिसिटी मान सकते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि एक कॉलम के लिए, तो फिर एक्सियली लोडेड कॉलम के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है। तो एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम हम लोग क्या करेंगे, विथ टाई मेंबर, लैटरल टाइज, पहले हम लोग लैटरल टाइज के लिए करेंगे। तो लैटरल टाइज अगर होगा तो मान लो ये मैंने यहाँ पे लैटरल टाइज दे दिया, लैटरल टाइज के बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सो हियर वी हैव अ लैटरल टाइज, 135 डिग्री बेंड है एंड वी हैव लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट्स, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक एंड दिस वन। सो नाउ पहला क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस कॉलम। तो यहाँ पे लोड कौन कौन ले रहा है, एक मेन जो कंप्रेशन फोर्स आ रहा है, तो मेन कंप्रेशन फोर्स को ले कौन रहा है, कॉन्क्रीट, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है। तो इसके लिए एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम के लिए जो विथ लैटरल टाइज, एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम विथ लैटरल टाइज, इसके लिए लोड कैरिंग कैपेसिटी तुम्हारा क्लॉज 39.3 पेज नंबर 71 में दिया हुआ है, द लोड कैरिंग कैपेसिटी द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैपेसिटी ए ऑफ, से पूरा लिख लो, ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम विथ लैटरल टाइज कॉलम। हम लोग विथ लेटरल टाइज यहाँ पे स्पेसिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखे थे कि कॉलम को हम लोग
लेटरल टाइज के हिसाब से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। एक था विथ लेटरल टाइज एंड और एक था विथ हेलिकल रेनफोर्समेंट, दोनों के लिए लोड कैरिंग कैपेसिटी भी अलग होगा। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी एज पर दिस क्लॉज पी यू और फैक्टर्ड लोड कैरिंग कैपेसिटी शुड बी 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। मतलब जो फैक्टर्ड लोड कॉलम के ऊपर आ रहा है उसका कुछ पोर्शन तुम्हारा कॉन्क्रीट ले रहा है और कुछ पोर्शन तुम्हारा स्टील ले रहा है। तो 0.4 एफ सी के ए सी दैट इज द लोड टेकन केयर ऑफ बाई द कॉन्क्रीट एंड 0.67 एफ वाई ए एस सी दिस अमाउंट ऑफ लोड टेकन केयर बाई द स्टील सेक्शन। तो यहाँ पे इसका जो एब्रीविएटेड फॉर्म है इसको लिख लो। सो मैं इस स्लाइड में लिख देता हूँ एक बार, पी यू इज इक्वल्स टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। नाउ यहाँ पे पी यू क्या है, दैट इज फैक्टर्ड एक्सियल लोड और फोर्स। सो फैक्टर्ड लोड नाउ एफ सी के दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ए सी क्या है एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। एफ वाई दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड ए सी क्या है दैट इज द एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ओके सो एक एक करके समझते हैं क्या है क्या नहीं है। से इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज आवर कॉलम सेक्शन। से इसके अंदर हम लोगों का रीएनफोर्समेंट दिया हुआ है, से वी हैव फोर नंबर ऑफ बार्स हियर लॉन्गिट्यूडनल बार्स। नाउ the length as per the with respect to major axis d and with respect to minor axis हम लोगों ने b लिया, और major axis हम लोग x x को as a major axis consider किया और y y को as a minor axis consider किया। और major और minor axis किस basis पे consider किया, area moment of inertia के हिसाब से, मतलब उस axis के about उसमें buckling जल्दी से होगा। okay now द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे हम लोगों ने जो जो पैरामीटर लिखा इस पैरामीटर को हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। जैसे कि ए सी एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, सो ए सी विल बी इक्वल्स टू टोटल जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए जी। ए जी क्या है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम माइनस ए एस सी मोर स्पेसिफिकली। ओके तो AG कितना हो जाएगा, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम AG विल बी इक्वल्स टू B इनटू D। सो टोटल जो है यहाँ से मैं स्टील का एरिया को लॉन्गिट्यूडनल स्टील का एरिया को माइनस करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट मिल जाएगा। और ASC पाई बाई फोर इंटू नंबर ऑफ D स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार्स जो भी जितना भी रहेगा वह से हम लोगों को मिल जाएगा। तो यह है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ Axially loaded short column with lateral ties. अगर helical reinforcement होता तो यही load carrying capacity और 5% increase कर जाता। Okay, 5% और increase कर जाता। और ये जो equation आया देख रहे हो, ये equation तुम्हारा मतलब एक approximation version से आया है। जैसे कि हम लोग अगर लिख सकते हैं कि पी यू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, एक जो कॉलम है एक कॉलम में लोड जो एक्जियली लोड आ रहा है वो कॉन्क्रीट ले रहा है और स्टील ले रहा है। तो कॉन्क्रीट का फेल्योर स्ट्रेंथ कितना था, 0.447 एफ सी के, तो 0.45 एफ सी के दैट इज द स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, तो दैट फोर्स टेकन केयर ऑफ बाय द कॉन्क्रीट। प्लस अगर हम लोग Fe415 स्टील को देखेंगे तो उसके लिए जो इल पॉइंट होता है नॉर्मली 0.75 एफ वाई के आसपास होता है। नाउ ए एस सी अभी इसको अगर तुम हम लोग क्या किए कि 5% ऑफ जो लेटरल डायमेंशन इसको कंसीडर किया, तो हम लोग क्या करेंगे पूरा इस स्ट्रेंथ को नहीं लेंगे, इसका 90% लेंगे 0.9। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूलाज। तो यहाँ से आ रहा है कुछ नहीं, दो कंपोजिट मेंबर है, कंपोजिट मेंबर में स्टील है कंक्रीट है, तो स्टील कितना फोर्स ले रहा है, स्ट्रेस इन स्टील
मल्टीप्लाइड बाई एरिया इन स्टील एंड तुम्हारा कॉन्क्रीट कितना ले रहा है, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, बस इतना ही। तो हमें बस ए फॉर्मूला को याद रखना है कि सर 0.87 होता था ना स्टील में। नहीं, 0.87 FCK ए क्या था, दैट इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। बट यहाँ हम लोग अल्टीमेट तक स्टील को पहुंचाते नहीं, यील्ड के बाद कॉरस्पॉन्डिंग टू यील्ड और अल्टीमेट के बीच में एक स्ट्रेंथ को लिया जाता है, क्योंकि एकदम अल्टीमेट में अगर स्टील को पहुंचा देंगे तो अब पहले ही वो फेल कर जाएगा, इसीलिए 0.75 के आसपास इसका स्ट्रेंथ को कंसिडर किया जाता है फॉर एक्सियली लोडेड मेंबर के लिए और फॉर कंप्रेशन मेंबर के लिए मोर स्पेसिफिकली। ओके, तो इसका 90% लिया जाता है, तो मोर और लेस आई थिंक यही फॉर्मूला आएगा। तो ए अप्रोक्सीमेशन का रूल था। ओके, तो अभी यहाँ तक समझे। नाउ एक्सेल को याद तो पहले ही पे रखना है ना, इक्वल टू 0.4। यही एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी है। मैं बताया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है और कुछ नहीं, ये फॉर्मूला यही कोड में दिया हुआ है। इफ वी गो टू द कोड, वेट अ मिनट, रिसाइज 456 या यस 39.3 एक्सियली लोडेड मेंबर इन कंप्रेशन, द मेंबर शैल बी डिजाइंड बाई कंसिडरिंग द एजम्पशंस गिवन 39.1। 39.1 भी क्या दिया हुआ है कि कौन सा मेंबर शॉर्ट मेंबर है, कौन सा मेंबर लॉन्ग मेंबर है इसका। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है देन द एंड द मिनिमम एसेंट्रिसिटी, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है देन द, अच्छा मिनिमम एसेंट्रिसिटी हम लोग 0.05 टाइम्स द लेटरल डायमेंशन जो बताया 5% से एक्सीड नहीं करेगा, देन द मेंबर मे बी डिजाइंड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन, पी यू इज इक्वल्स टू 0.4 FCKAC प्लस 0.67 FYASC। सो दिस इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एक्सियली लोडेड शॉर्ट मेंबर। और अगर हेलिकल रेनफोर्समेंट हुआ लेटरल टाइज की जगह पे, तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, शैल बी टेकन एज 1.5 टाइम्स द स्ट्रेंथ सिमिलर मेंबर विथ लेटरल टाइज। 1.05 मतलब कितना, 5% मोर। वो भी हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मेंबर जब पढ़ेंगे, पहले हम लोग इस हेलिकल रेनफोर्समेंट तो हमेशा सर्कुलर के साथ ही आएगा ना, ऑब्वियसली, इसलिए सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रेनफोर्समेंट। जैसे कि तुम्हारा पाइल, दैट इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो उसके लिए क्या होता है, कॉन्फाइनमेंट ज्यादा होता है, हेलिकल रेनफोर्समेंट दिया तो कंटिन्यूटी बजाय रहता है उस लेटरल हेलिकल में, तो उस कंटिन्यूटी के वजह से तुम्हारा जो कॉन्फाइनमेंट ऑफ कॉन्क्रीट है वो अच्छा होता है। और कॉन्फाइनमेंट ऑफ कॉन्क्रीट अगर अच्छा हुआ देन लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छा है। तो कॉन्फाइनमेंट मतलब तुम लोगों को समझाया था, फिर भी बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक कॉन्क्रीट है, ठीक है, कॉन्क्रीट कॉलम है, सोचो कॉन्क्रीट कॉलम है ना, इसको कॉन्फाइन करना मतलब से मान लो कि इसको मैंने पूरा एक स्टील प्लेट से पूरा चारों ओर मोड़ दिया, कॉलम को स्टील प्लेट से पूरा मोड़ दिया, मतलब क्या किया, कास्ट, मतलब स्टील प्लेट को पहले दिया उसके बाद कास्ट किया, तो क्या हुआ, पूरा कंक्रीट कॉन्फाइंड हो गया। मतलब जितना कंटिन्यूटी दोगे उतना कॉन्फाइनमेंट बढ़ेगा। अभी देखो कॉन्फाइन कर दिया, अभी लोड दो, आसानी से कंक्रीट स्पिल आउट नहीं होगा या आसानी से कंक्रीट फेल नहीं करेगा, क्योंकि उस कॉन्फाइनमेंट के वजह से वो और भी लोड ले सकता है, यही उसका मेकानिज्म था। ओके, तो ये था एक्सियली लोडेड शॉर्ट मेंबर का लोड कैरिंग कैपेसिटी। नाउ एक्सियली लोडेड शॉर्ट मेंबर के लिए हम लोगों को जैसे कि कुछ स्पेसिफिकेशन था एज पर क्लॉज, वो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ओके, सो कॉलम के लिए पहले बताओ कि मिनिमम रेनफोर्समेंट और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना ले सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। सर मिनिमम 0.8, मैक्सिमम 6%। मिनिमम हम लोग ले सकते हैं 0.08% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया B into D, और मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं, 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया BD। मैक्सिमम डाया ऑफ बार कॉलम में हम लोग कितना यूज कर सकते हैं सर, मिनिमम 12 मिनिमम डाया ऑफ बार यूज कर सकते हैं 12 mm, 12 mm से कम हम लोग कॉलम में यूज नहीं करते, ठीक। अच्छा, और एक रेक्टेंगुलर कॉलम हुआ तो उसमें हम लोगों को मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट 4, और सर्कुलर हुआ तो उसमें 6 नंबर ऑफ प्रोवाइड करना होगा। कवर कितना था कॉलम के लिए, कवर, कवर ऑफ कॉलम 40 mm, शुड नॉट लेस देन 40 mm। और अगर हम लोग छोटा कॉलम यूज कर रहे हैं 250 mm और लेस, जिसमें 12 mm डाया का बार यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग 25 mm तक कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था कुछ चीजें, और एक चीज जो था वो लैटरल टाइज के बारे में।
कि हम लोग जो लैटरल टाइज यूज करेंगे उसका डायमीटर कितना होना चाहिए और उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए एज पर आवर क्लॉज। तो जैसे कि मान लो कि ये हम लोगों का कॉलम है, इसमें हम लोगों को लैटरल टाइज प्रोवाइड करना है। लैटरल टाइज मतलब वही रिंग्स। तो इस रिंग्स का डायमीटर का स्पेसिफिकेशन कितना होना होगा और इसका ये जो स्पेसिंग देंगे इसका भी स्पेसिफिकेशन कितना होना होगा। जैसे कि हम लोग जब बीम डिजाइन कर रहे थे तब देखे थे कि स्टीरअप का एक मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट था, कितना दे सकते हैं, राइट। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स बहुत सारे 3 क्राइटेरिया से हम लोग निकालते हैं। ऐसे ही इसके लिए भी तो चाहिए। तो इसके लिए जो पिच होता है, पिच बोलते हैं इसे, पिच ऑफ लैटरल टाइज, दैट मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द लैटरल टाइज पिच। तो ये पिच को हम लोग कितना ले सकते हैं। तो द पिच शुड बी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉज, एक कौन सा क्लॉज है, क्लॉज तुम्हारा 26.5.3.2 इसका सी में है। ओके, पेज नंबर शायद 70, कौन सा पेज में, 49 में। तो पीच ऑफ रेनफोर्समेंट क्या बोला है देखो, द पीच ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी मोर देन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, शैल नॉट बी मोर देन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या है, मिनिमम सर्टी नमस, शैल नॉट बी मोर देन द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब क्या है। देखो अभी स्टेटमेंट को पढ़ के समझना जरूरी है, क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, द पिच ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी मोर देन द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस, मतलब मिनिमम डिस्टेंस से मोर यस नहीं होना चाहिए। पी होगा, क्या लिख सकते हैं, पिच शुड बी इक्वल्स टू, बताओ क्या लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ दिस थ्री। और दिस थ्री क्या क्या बोल रहा है, द लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉम्प्रेशन मेंबर, मतलब बी, अगर लिस्ट लेटरल डायमेंशन को बी मानेंगे तो बी। और क्या बोल रहा है, 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट। ओके, इसका मतलब क्या है, 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई कॉलम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को डिफरेंट डाया ऑफ स्टील यूज करना पड़ा, से मान लो कॉर्नर पे हम लोगों ने दिया 20 mm डाया और भी हमें प्रोवाइड करना है, तो हम लोगों ने अंदर भी प्रोवाइड किया, से मान लो कि ये है 16 mm डाया, जो टोटल एनफोर्समेंट आएगा उसी हिसाब से हम लोगों को देना होगा। तो एक्चुअली हम लोग जो कॉर्नर पे देते हैं वो मैक्सिमम डाया ऑफ एनफोर्समेंट, और बाकी जो निकलता है वो हम लोग अंदर की तरफ एज पर कॉलम का जो कॉन्फिगरेशन है दे सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, 16 टाइम द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, मतलब 16 डी मिनिमम और 300 mm, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा उसे हम लोग एज ए पिच ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट कंसिडर करेंगे। ओके, मतलब वही तुम्हारा मैक्सिमम पिच है और उसी को हम लोग उसी हिसाब से हम लोग प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी डायमीटर कितना लेंगे लैटरल टाइज के लिए, तो द डायमीटर ऑफ द पॉलीगोनल लिंक्स और लैटरल टाइज शैल बी नॉट लेस देन, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार एंड इन नो केसेस लेस देन 16 mm, 16 mm नहीं होगा, दिस विल बी 6 mm। ओके, तो एक क्लॉज क्या बोल रहा है बताओ तो मुझे, द डायमीटर ऑफ पॉलीगोनल लिंक्स और लैटरल टाइज शैल नॉट बी मोर देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार एंड नो केस लेस देन 6 mm। इसका मतलब क्या है, क्या लेना होगा, डाया ऑफ लिंक बोलो शुड बी इक्वल्स टू सर 1/4 ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार या फिर 6 mm, दोनों में से जो बड़ा होगा उसको लिंक, दोनों में से जो बड़ा होगा, राइट। सो हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 1/4 ऑफ डी, क्या बोला है, 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार, सो डी मैक्स और 6 mm जो तुम्हारा मैक्सिमम मिलेगा। 6 mm से कम हम लोग नहीं लेते, 6 not 16 mm, 16 mm का कोई लैटरल टाइज यूज नहीं होता है, गलत है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना। तो लैटरल टाइज के भी बारे में पता चला, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के भी बारे में पता चला। चलो अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम तुम्हारा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्या बोलते हैं, एक्सेली लोडेड शॉर्ट मेंबर के कॉरस्पॉन्डिंग, तो और भी क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल राइट द प्रॉब्लम,
सो यहाँ पे क्या बोला, एक एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम जिसका डायमेंशन वगैरह दे दिया है और एनफोर्समेंट भी दे दिया गया है, मतलब ये इट्स ए स्क्वायर कॉलम ऑफ 500 mm इंटू 500 mm डायमेंशन एंड हैविंग फोर नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, फोर और सिक्स, सिक्स नंबर ऑफ, सो वी हैव 1, 2, 3, 4 से 5, 6, 500 mm एंड 500 mm, ओके, और दैट डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इज 20 mm एंड वी आर हैविंग सिक्स नंबर ऑफ 20 mm dia bars as longitudinal reinforcement. Now we need to calculate the load, ultimate load carrying capacity of this column and also the service load carrying capacity of the column. So at first write it down the given data always. What data is given? Given data. So given data mein kya diya hua hai? B of column is equals to D of column is equals to 500 mm. Now your FCK is given. 20 MPa or 20 Newton per mm square. Fy is also given 415 MPa. Now we need to calculate the value of PU. How much PU is acting on this section? So at first calculate the gross cross-sectional area AG. Gross cross-sectional area of the column. AG kya hai? That is the gross cross-sectional area. Gross एरिया. सो कैसे करेंगे? 500 × 500 mm². ओके, सो दैट कम्स एज 250000 mm². नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ASC. एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल reinforcement कितना होगा? 6 multiplied by pi by 4 into 20 square mm square. How much it coming? So then we need to calculate 1884.95 mm square. Now we can easily calculate the AC, area of concrete. Area of concrete कितना हो जाएगा? AG minus ASC. ये total cross section में से हम लोग longitudinal reinforcement का area को minus कर देंगे तो हमें मिल जाएगा actual area of concrete. तो actual area of concrete कितना आ रहा है? 250000 minus 1884 आएगा 2481155.05 mm square. So we have all the values of parameters. Now we can easily calculate the load carrying capacity as per clause. So kaun sa clause mein diya hua hai? From clause 39.3 of your IS 456 2000. XLE लोडेड शॉर्ट कॉलम के लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी PU इज इक्वल्स टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC. नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज, 0.4 इंटू 20 इंटू AC का वैल्यू आया था 2481155.05 something like that, and 0.67 into 415 into AC aaya tha 1884.95. unit kis mein aayega? Newton per mm square mein ya Newton mein, kis mein aayega? Sir, Newton mein sir. Newton mein aayega because that is the load. Now calculate the load. कितना आएगा? 2509.03 किलोन्यूटन. 2509 जीरो
नाइन सर, 09। ओके, 9 न्यूटन में बताओ, 2409 0.03 किलो न्यूटन सर। 030 0.030 इंटू 10³ न्यूटन पी यू का वैल्यू आया, राइट, किलो न्यूटन में करोगे तो 2509.03। सो और वी कैन राइट 2509.03 किलो न्यूटन, दैट इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। नाउ सर्विस लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा? 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस, कैरिंग कैपेसिटी P will be equals to, क्योंकि हम लोग LSM से डिजाइन कर रहे हैं और LSM में से दिस इज डेड लोड एंड लाइव लोड कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली कॉलम में जो लोड आएगा सो दैट विल बी PU by 1.5। सो डेड लोड लाइव लोड कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेते हैं, सो 2509.03 डिवाइडेड बाई 1.5 न्यूटन, देखो कितना आ रहा है, 1672.67 किलो न्यूटन। यस सर। ओके, सो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए एक्सएली लोडेड शॉर्ट कॉलम। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते, बोलेगा कि अल्टीमेट लोड बोल दिया है, नाउ फाइंड आउट द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो विद दैट इक्वेशन, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, वी कैन फाइंड आउट द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। इवन इफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन, इफ दे वांट टू कैलकुलेट अस दैट फाइंड आउट द एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट, देन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट बाय दिस इक्वेशन। बस तुम देखो कि कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है और कौन सा फंक्शन को निकालना है, दैट्स ऑल। तो ये क्लियर हुआ।